إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فاعلم أنه لا إله إلا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه हाजरीन जुमा अल्लाह तबारक व ताला का दीन जो मुकम्मल और कामिल दीन है जिस दीन को अल्लाह तबारक व ताला ने पूरी इंसानियत के लिए चुना और पसंद फरमाया दीन इस्लाम सिर्फ ईमान वालों के लिए ही नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाया बल्कि इस पूरे कायनात के लोगों के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने जिनों और इंसानों के लिए इस दीन और शरीयत को पसंद फरमाया है और इस दीन को अल्लाह तबारक व ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से सहाबा इकराम तक सहाबा इकराम से ताबईन तब ताबईन और फिर पूरे दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन इस्लाम को फैलाया और चप्पे चप्पे और गोशे गोशे में शरीयत इस्लामिया को पहुंचाया। ये सिलसिला जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू होकर के और आज तक जारी और सारी। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शरीयत इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया। उस दीन के इल्म को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम तक मुंतकिल किया। सहाबा इकराम से वो इल्म ताबईन तक और तबा ताबईन तक पहुंचा और उसके बाद ये इल्म पूरी दुनिया के अंदर आज भी उलमा इकराम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शरीयत और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को दुनिया वालों तक पहुंचाने का काम अंजाम दे रहे हैं। ये सारा मामला इल्म का है, ये सारा मामला इल्म से जुड़ा हुआ है। बग़ैर इल्म के हम शरीयत इस्लामिया को समझ ही नहीं पाएंगे, बग़ैर इल्म के हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत को हासिल नहीं कर पाएंगे। इल्म ना होने की वजह से हमारे मुआशरे के अंदर शिर्क जलालत गुमराही बेरहरवी गुनाह ये सारी चीज़ें हमारे मुआशरे के अंदर आज आम है।
लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है इल्म ना होने की वजह से, दीन के नाम पर नई नई चीज़ों को दाखिल किया जाता है इल्म ना होने की वजह से, दीन के नाम पर नए नए रस्म व रिवाज और ट्रेडिशन को राइज किया जाता है इल्म ना होने की वजह से। ये सारा मामला जो है वो इल्म के ना होने की वजह से। और इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान हकीम के अंदर ऐलान फरमाया और कह दिया फअलमन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों जान लो इस कायनात का सबसे बड़ा इल्म जो है, इस कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई जो है वो अल्लाह तबारक व ताला की तौहीद का इल्म हासिल करना, अल्लाह तबारक व ताला की मारिफत हासिल करनी, अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत का इकरार और अल्लाह तबारक व ताला की उलूहियत और रुबूबियत का इकरार करना है, ये सबसे बड़ा इल्म, ये सबसे बड़ी मारिफत। अगर हमने इस फलसफे को समझ लिया, अगर हमने इस हकीकत को जान लिया, अगर इस इल्म को हमने हासिल कर लिया तो ये सारी दुनिया जो है वो अल्लाह तबारक व तआला हमारे कदमों में ला करके रख देगा। लेकिन आज हम मुसलमान इस इल्म से कितने दूर हैं ये बयान करने की ज़रूरत नहीं, सचर कमेटी की रिपोर्ट भी हमने देख लिया है और हर साल और बारहा जो रिपोर्ट्स लिटरेसी के हर अलग अलग कम्युनिटी के जो पेश किए जाते हैं, हर साल जिसमें तब्दीलियां आती रहती है, हम उनको नेट वगैरह पर बआसानी देख सकते हैं कि हम मुसलमान जो कभी पूरे दुनिया के इल्म व फ़नून के मराकिज़ कायम किया करते थे, वो मुसलमान जो कभी पूरी दुनिया को इल्म और फन से जोड़ने वाले थे, सारी दुनिया के लोग जहाँ पर इल्म सीखने आया करते थे, आज उस कौम का ये हाल है कि वहाँ पर लिटरेसी के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर और तालीम के नाम पर सिवाय चंद के और कुछ हाथ नहीं लगता है। अगर हम रेशियो निकालें अलग अलग के मुसलमानों के अंदर ग्रेजुएट कितने हैं, मुसलमानों के अंदर मास्टर्स करने वाले कितने हैं, मुसलमानों के अंदर पीएचडी और रिसर्च स्कॉलर्स कितने हैं, तो उसकी तादाद जो है वो 0.0 से भी नीचे, 0% से भी नीचे। आप सोचिए हमारी तादाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर 27% ऐसे बताई जाती है, 30% 35% जो हमारी तादाद है उसमें तालीम का मुसलमानों के अंदर, जो कौम पूरी दुनिया को तालीम और ताल्लुम से जोड़ने वाली, जो कौम सारी दुनिया को इल्म सिखाने वाली, जो कौम दुनिया को नए नए इजादात और डिस्कवरी से रोशनाश करवाने वाली थी, आज वो कौम खुद तालीम और ताल्लुम में सबसे ज़्यादा एससी और दलितों से भी पीछे चली गई। सारे लोग हमसे आगे तालीम में आगे बढ़ चुके हैं। जिस कौम के अंदर, जिस मिल्लत के अंदर और जिस कम्युनिटी में सबसे पहला जो फरमान अल्लाह के तरफ से नाजिल किया और उतारा गया वो तालीम के ताल्लुक से, इल्म के ताल्लुक से, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम। आज वो कौम इल्म से बिल्कुल अलग होकर के जिंदगी गुजार रही। आज हमारे मुआशरे के अंदर देखिए स्कूल और कॉलेजेस कम हैं, तालीम गाहें कम हैं, दर्स गाहें कम हैं, इल्म और हुसूल के लिए, तालीम हासिल करने के लिए इंतजामात ख़त्म होते जा रहे हैं। लहवो लईब के, खेल कूद के, तमाशे के और वक्त गुजारी के अड्डों के बेशुमार इजादात हो रहे हैं, लेकिन जहां इल्म सिखाया जा सके, जहां लड़कियों और लड़कों को मुहज्जब और सिविलाइज्ड बनाया जा सके, जहां मुसलमानों के आने वाली नस्ल को बेहतर से बेहतर, आला से आला तालीम दिया जा सके, उनकी दुनिया, उनकी आखिरत, उनका, उनके रब की मारिफत, नबी के मोहब्बत, इन सारे चीज़ों को सिखाया और बताया जा सके, ऐसे दरसगाहें कितनी हैं, ऐसे स्कूल और कॉलेजेस कितने हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने तो तालीम के ऊपर इतना जोर दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जगह इल्म हासिल करने के मराकज और सेंटर कायम किए, हर जगह इल्म और तालीम के सीखने के लिए सहूलतें फराहम करवाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत इसमें भरी पड़ी। अल्लाह तबारक व ताला का फरमान
अल्लाह तबारक व ताला ने ऐलान कर दिया, कुल हल यस्तविल लजीना यालमूना वल लजीना ला यालमून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुनिया वालों को बताइए, आप ईमान वालों को बताइए, सुनाइए, ऐलान करके कर दीजिए उनके दरमियान, कुल हल यस्तविल लजीना यालमूना वल लजीना यालमून, कि लोगों बताओ कि जो लोग इल्म वाले हैं और जो गैर इल्म वाले हैं, जो लोग लिटरेट हैं और जो लोग इलिटरेट, जो लोग तालीम याफ्ता हैं और जो लोग गैर तालीम याफ्ता है, क्या बराबर हो सकते हैं? क्या दोनों में इक्वालिटी पाई जाएगी? उनके स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड में, उनके जिंदगी गुजारने के तौर तरीके में, उनके बात करने के तरीके में, उनके लिबास और पहनावे के तरीके में, जो तालीम याफ्ता हैं, जो किताब व सुन्नत का इल्म रखने वाले हैं, वो दुनिया का इल्म रखने वाले हैं, जो दुनियादारी को समझने वाले हैं, जो अल्लाह की किताब का के मुताला करने वाले हैं, जो नबी के फरमान को जानने वाले हैं, जो सहाबा इकराम की सीरत को पहचानने वाले हैं, और जो दुनिया में सारे उलूम और फनून के सीखने वाले हैं, उनके लिविंग स्टैंडर्ड में, उनके रहन सहन में, उनके बात करने के अंदाज में, उनके चलने फिरने के अंदाज में, उनके कैरेक्टर और किरदार में, और जो लोग जाहिल हैं, जो लोग इलिटरेट हैं, जो लोग अनएजुकेटेड हैं, जिनका तालीम और ताल्लुम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता, क्या दोनों लोग बराबर हो सकते? क्या दोनों लोगों में इक्वालिटी पाई जाएगी? क्या दोनों लोग के जिंदगी रहन सहन और तौर तरीके में बराबरी और मसावात देखा जाएगा? आज हमारे मुआशरे के अंदर देखिए, मुसलमान बस्तियों के अंदर नजर दौड़ाइए, कितने कॉलेजेस और स्कूल नजर आते हैं। हमारे इस कमरहट्टी के सरजमीन पर गर्ल्स स्कूल जो वीरान पड़ा और सुनसान पड़ा हुआ है, को एजुकेशन के नाम पर जो बेहयाई फैल रही है, को एजुकेशन के नाम पर जो बेशर्मी आम हो रही है, लड़के लड़कियों के इख्तलात से जो बुराइयां फैल रही है, मुआशरा जो गंदा हो रहा है, पलीद हो रहा है, उसके बारे में हमारे कोई रहनुमा, सियासी रहनुमा हो या फिर मजहबी रहनुमा हो, इस बारे में हम सोचते नहीं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सारे रहनुमाओं के सबसे आला, सबसे बड़े रहनुमा, सबसे बड़े अलमबरदार, सबसे ज्यादा इल्मो ताल्लुम के मालिक, सबसे ज्यादा अकलमंद और होशियार, सबसे बड़े मुअल्लिम, सबसे बड़े मुफक्किर, सबसे बड़े दानिश्वर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम और ताल्लुम के लिए अपने मुआशरे के अंदर किस कदर एहतियात से काम लिया, आपने लोगों को किस कदर तालीम से जोड़ने की कोशिश की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है, तुम में सबसे अच्छा वो है, तुम में सबसे ज्यादा होशियार वो है जो अल्लाह की किताब का इल्म हासिल करने वाला है, कुरान हकीम का पढ़ने वाला है, अल्लाह के दीन को सीखने वाला है, दुनिया के उलूम को जानने वाला है और सारे उलूम को अपने सीने में बसाने वाला। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को, इस्लामी मुआशरे को, मुसलमानों को, ईमान वालों को इल्म से जोड़ने के लिए ऐसा हुक्म नाजिल फरमाया और सादिर फरमाया। अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसे नहीं कहा कि कुल हल यस्तविल लजीना यालमूना वल लजीना ला यालमून, पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे लोग बराबर नहीं हो सकते। आज हमारे मुआशरे में हम अपने बच्चों के तालीम और तरबियत पर कितना ध्यान देते हैं, कितना जोर देते हैं? हमारे मुआशरे के अंदर हमारे मुसलमान नए जनरेशन लड़के और लड़कियां ग्रेजुएशन तक पहुंच गए, बहुत ज्यादा पढ़ाई उन्होंने कर दी, बहुत ज्यादा पढ़ाई हो गई उनकी, कोई ध्यान नहीं दे ना, हम बच्चों से पूछते हैं कि पढ़ाई कैसी होती है, न बच्चों से हम इस्तिफसार करते हैं कि सिलेबस कितना हुआ, न बच्चों के एग्जाम का पता माँ बाप को, न बच्चों के रिजल्ट का पता हमारे वालिदैन को। हमारा काम सिर्फ वैसे ही, हम सिर्फ दुनियादारी में लगे हुए, माल दौलत कमाना, माल दौलत जमा करना, सियासत में आगे बढ़ना, झंडे उठा करके नारेबाजी करना, लेकिन अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की शरीयत के लिए और इस मुसलमान के नए जनरेशन को, मुसलमानों के नौजवान बच्चे और बच्चियों के ब्राइट फ्यूचर के लिए, उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए, हमारे मुआशरे के अंदर हमारे उलमा इकराम ने और हमारे मुफक्किरीन ने
और हमारे बड़े बड़े रहनुमाओं ने कितने स्कूल और कॉलेजेस कायम किए, कितने तालीमी दरसगाह को कायम किया। जो पहले से दरसगाहें हैं वो भी खस्ता हाली की जिंदगी गुजार रहे हैं। पढ़ने वाले हैं तो पढ़ाने वाले नहीं है, पढ़ाने वाले हैं तो कोई इल्म हासिल करने वाला नहीं है। सारे स्कूल उर्दू एकेडमी के वैसी वीरान पड़े हुए। हमारे अंदर कमी, हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है तालीम के एतबार से, तालीम के एतबार से। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत और बायोग्राफी को हम पढ़ें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से तालीम और तालीम को बढ़ावा दिया, इल्म को किस तरीके से फरोग दिया, इस्लामी मुआशरे को इल्म से जोड़ने के लिए कितनी काविशें की जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आज हम मुसलमान अपनी दुनियावी जिंदगी सिर्फ खाने पीने में, खाने के अच्छे अच्छे इंतजाम में, अच्छे अच्छे लिबास में। क्या मुसलमानों के अंदर तालीम दौलत की कमी है? क्या इस्लामी मुआशरे में मालदार लोगों की कमी है? आप जाकर के देखिए गैरों के इलाकों में, गैरों के स्टेट्स में, गैरों के मुआशरे में उन्होंने कितने सिविलाइज तरीके से स्कूल और कॉलेजेस को बनाया है, आलीशान बिल्डिंगें तैयार की है, अच्छे से अच्छा सिलेबस उनको दिया है और तालीम और तालुम का बेहतरीन सिस्टम और निज़ाम मुआशरे को अता किया है। लेकिन हम मुसलमानों के रहनुमाओं ने, हम मुसलमानों के कायद ने, हम मुसलमानों के बड़े लोगों ने दौलत माल इज्जत सारी चीजें हैं, लेकिन जनरेशन के लिए हमने क्या किया? इस्लामी मुआशरे की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए हमने क्या किया है? लाखों रुपए खेल तमाशे पर खर्च हो रहे हैं, करोड़ों रुपए मुआशरे में ऐसे ही नाच गाने बजाने पर, तफरी और सैर पर खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए, मुसलमानों के न्यू जनरेशन के मुस्तकबिल को रोशनास और ताबनाक बनाने के लिए, उनको तालीम और तालुम से जोड़ने के लिए हमारे रहनुमाओं ने कौन सा इंतज़ाम किया? ये जरूरत है आज की, ये जरूरत है आज की। वो मुसलमान जो कभी यूरोप के, और वो मुसलमान जो कभी सारे दुनिया के तालीम के सेंटर और मराकज हुआ करते थे, आपको मालूम बगदाद के अंदर इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां थी, हलाकू खान ने हमला करके उन सारे लाइब्रेरियों को निस्तो नाबूद कर दिया, सारी किताबों को जला करके खाकिस्तर कर दिया। दजला और फरात के पानी जो थे वो किताबों से बिल्कुल काले पड़ गए थे, जला करके डाल दिया गया था, मिटा दिया गया था। बगदाद के अंदर, गरनाता के अंदर, कुस्तुनतुनिया के अंदर, और अंदलुस जो आज का स्पेन है उसके अंदर लोग इल्म सीखने आया करते थे, मर्द तो मर्द, औरतें भी इतनी तालीम याफ्ता थी। आपको मालूम नहीं हमने अपनी तारीख को भुला दिया है, मुसलमानों ने अपनी तारीख को खो दिया है, मुसलमानों ने अपने वकार और इज्जत को खुद मलिया मेट कर दिया है, क्योंकि हमने अपना रिश्ता और नाता तालीम से बिल्कुल ख़त्म कर लिया है। हमारी ज़िंदगी अच्छा पहनना बन गया है, हमारी ज़िंदगी अच्छा खाना बन गया है, हमारी ज़िंदगी लोगों के ज़मीन और जायदाद को गसब करके अपनी मिल्कियत बढ़ाना हो गया है, हमारी ज़िंदगी माशरे में फेम और शोहरत हासिल करना हो गया है, हमारी ज़िंदगी गैरों के तलवे चाटना हो गया है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने ईमान वालों को इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजा, इसलिए नहीं पैदा किया। हम दुनिया वालों को तालीम और ताल्लुम से जोड़ने के लिए आए हैं, हम दुनिया वालों को सबसे आला तालीम सिखाने के लिए आए हैं, हम दुनिया वालों को अल्लाह की मारिफत से रोशनास करवाने आए हैं, हम दुनिया के अंदर से जुल्म, सितम, जलालत, गुमराही, शिर्क और बिदअत को दूर करने के लिए आए हैं। और जब तक हमारे अंदर एजुकेशन, जब तक हमारे अंदर लिटरेसी, जब तक हमारे अंदर तालीम नहीं आएगा, हमारा मुआशरा सुधरने वाला, हमारा मुआशरा तरक्की करने वाला, हमारा मुआशरा जुल्म और बर्बरियत से निजात पाने वाला कभी भी बन नहीं सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हम पढ़ें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और बायोग्राफी का मुताला करें, स्टडी करें, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम और ताल्लुम के लिए किस कदर इंतज़ाम और इंसराम किया। सारे लोगों को मालूम है जंगे उहद, जंगे बदर,
बहुत ही मशहूर है, हर आम मुसलमान इसके बारे में जानता है। जंगे बदर के अंदर जो काफिर और मुशरिक कैदी बना करके लाए गए थे, जब उनको रिहा करने की बात आई तो सहाबा इकराम को लेकर के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया कि कैदियों के साथ क्या किया जाए, कैदियों के साथ कौन क्या मामला किया जाए, रिहा किया जाए, उनको कैदो बंद में सजाएं दी जाए, कत्ल किया जाए, क्या किया जाए। अलग अलग सहाबा इकराम ने अपने अपने मशवरे पेश किए, अपने अपनी बातें रखी। ऐसे कुछ कैदी जो गिरफ्तार करके जंग में लाए गए थे, जो पढ़े लिखे थे, जो तालीम याफ्ता थे, जो पढ़ना लिखना जानते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इनके तरफ से जुर्माना पेनल्टी या फिदिया जो भी है वो देने वाला कोई नहीं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने ये प्रपोजल रखा, ये पेशकश रखी उन कैदियों के सामने कि आप लोग इल्म जानते हैं, आप लोग मुसलमान बच्चे और बच्चियों को और मुसलमान मर्दों और औरतों को तालीम सिखलाइए, जब वो लोग तालीम सीख जाएंगे तो आपको रिहा कर दिया जाए। ये इंतज़ाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और आज वही कौम और हम ईमान वाले तालीम और ताल्लुम से बिल्कुल पीछे नज़र आते, बिल्कुल दूर नज़र आते। आज यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, इंग्लैंड, ये सारे के सारे इल्म में, एजुकेशन में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सारी दुनिया में आला मकाम पर है। इन लोगों ने इल्म कहाँ से हासिल किया? अरबी किताबों का तर्जमा कर करके कई साल बगदाद जा करके, गरनाता के जा करके, और मिस्र जा करके, इसी तरीके से अंदलुस जा करके, वहाँ की बड़ी बड़ी जो लाइब्रेरियाँ मुसलमानों ने कायम किया था, वहाँ पर अरबी किताबों को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करके उन्होंने अपना ज़खीरा बनाया, और आज वो उन्हीं किताबों की बदौलत दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी में, तालीम और ताल्लुम में सबसे आला मकाम हासिल कर चुके। और जिनकी किताबों से उन्होंने नक्काली करके, जिनकी किताबों को ट्रांसलेट और तर्जमा करके अपने लाइब्रेरियों की जीनत बनाया, वो कौम आज जाहिलाना जिंदगी गुजार रही, वो कौम आज दर बदर की ठोकरें खा रही है, वो कौम आज कूड़े और कचरे में जिंदगी गुजार रही है। थोड़े से पैसे मिले तो हम सारे लोग एक ही तरफ भागते हुए नजर आते हैं, शराब व शबाब के लत में हम अपनी पूरी वकार और पूरी इज्जत को निस्त नाबूद कर बैठे, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको इल्म की वजह से, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इज्जत व वकार किसकी वजह से इनायत फरमाया? फरिश्तों पर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इज्जत और वकार और मकाम बख्शा किसकी बिना पर? इल्म की बिना पर। وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ। अल्लाह तबारक व ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म सिखलाया, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एजुकेट किया, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इल्म सीखा, और फिर अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों के सामने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेश किया, और इल्म की वजह से फरिश्तों पर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फजीलत अल्लाह तबारक व ताला ने दी। आज हम उनकी औलाद, आज हम इल्म से बिल्कुल बहरावर हैं, किनारा कशी इख्तियार किए हुए, सारे मामलात में बड़े बड़े इजादात मुसलमानों ने दिया है, आज हम बिल्कुल जाहिलाना होकर के जिंदगी गुजार रहे हैं, न दीन के अंदर है, न दुनिया के अंदर है, न अल्लाह की मारफत हमारे पास हकीकी तौर पर है, गैरुल्लाह के सामने सर झुकाते हैं, गैरुल्लाह की इबादत में मगन है, गैरुल्लाह के को पुकारने में और उनको के फरियाद करने में मगन है, और दुनिया में भी हम खाली हाथ हैं, जहालत में जिंदगी गुजार रहे हैं, न हमारे पास डिग्री है, न हमारे पास तालीम है, न हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, उसमें भी जा करके देखिए, उसके फैकल्टी के अंदर, उसके मैनेजमेंट के अंदर गैर लोग दाखिल हैं, ज़्यादा गैर लोग। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कायम करने वाले हम हैं,
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्याम में सरे फहरिस्त कौन? सर सैयद अहमद खान बानी, फाउंडर मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। उसके बाद हमारे और यूनिवर्सिटीज कहाँ हैं? उसके बाद हमारे तालीमी दर्सगाहें कहाँ हैं? हजार साल मुगलिया सल्तनत ने यहाँ पर हुकूमत किया, आलीशान तामीरात और आलीशान इस इंफ्रास्ट्रक्चर कायम कर दिया, लेकिन मुसलमानों के बच्चे और बच्चियों के लिए, मुसलमानों के आला तालीम के लिए कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और मदारिस और दर्सगाहें और तालीमी दर्सगाहें कहाँ नजर आती? कहाँ नजर आती? आप सोच नहीं सकते कि बगदाद के अंदर, इराक के अंदर, गरनाता के अंदर मर्द छोड़ दीजिए, औरतें इतनी तालीम याफ्ता और एजुकेटेड थी कि वहां 200 औरतें एक साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब अपने हाथों से लिखा करती थी। मुसलमानों में तालीम का इतना शऊर था, मुसलमान इतने ज्यादा तालीम याफ्ता थे। हम किस चीज पर अफसोस करते हैं? आसमानों में इंसानों को उड़ने का ख्वाब किसने दिया? मुसलमानों ने दिया। अबुल कासिम अल मंसूर वो पहले साइंसदान और साइंटिस्ट थे जिन्होंने जहाज का तस्वीर दुनिया वालों के सामने पेश किया, बल्कि जहाज पहला उसका स्ट्रक्चर बनाया और आसमान में उड़ा करके बताया कि लोगों, जो अल्लाह की मारिफत हासिल करने वाला है वो आसमान में फिजाओं में अपने पैरों को फैला करके उड़ना भी जानता है। ये तस्वीर किसने दिया? अभी तो हम अपनी तारीख को भुला करके दुनियावी जिंदगी में महव हैं, खोए हुए हैं। कोई सियासत में पीछे जा रहा है, कोई माल और दौलत के पीछे जा रहा है, कोई नामो नमूद हासिल करने में लगा हुआ है, कोई दुनियादारी को अच्छा बनाने में लगा हुआ है। हमने तालीम और ताल्लुम को बिल्कुल सौतेला बना करके रख दिया, हमने दिया। टिब और मेडिकल के अंदर, टिब और मेडिकल के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी किताबें लिखने वाले, बड़े बड़े रिसर्च और इजादात करने वाले, सर्जरी को बेहतरीन बनाने वाले, मॉडर्नाइज करने वाले कौन लोग? हम मुसलमान हैं। जियोलॉजी के अंदर सबसे पहले जमीनों के रकबे, उनके नापने का और उनको तलाश करने का इल्म और हुनर किसने दिया? उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में ही सारा जियोलॉजी का काम शुरू हुआ और मुसलमानों ने इस काम को आगे बढ़ाया। साइंस और टेक्नोलॉजी में मुसलमानों ने दुनिया वालों को बड़े बड़े रिसर्च और तहकीकात से किताबों को लिख करके दुनिया वालों को ये बताया कि इस्लाम के मानने वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुकने वाले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात पर अमल करने वाले किसी से पीछे नहीं, बल्कि वो दुनिया के कायद और रहनुमा की सलाहियत और एबिलिटीज रखते हैं। ज़रूरत है हमें तालीम और ताल्लुम से अपने आप को जुड़ने की, अपने मुआशरे को जोड़ने की। हम एक वक्त की रोटी अपने घरों में कम खाएँ, एक वक्त का खाना हमारे घरों में न बने, लेकिन हम अपने बच्चों को तालीम और ताल्लुम से जोड़े, हम अपने बच्चों को आला तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करें, हम अपने बच्चों को दीन और दुनिया दोनों की तालीम दें, ताकि हमारा बच्चा जब एक जगह मस्जिदों में मुसल्ले पर खड़े होकर के अल्लाह की किताब के जरिए से लोगों की इमामत करवाए, तो दुनियादारी में जाकर के टिब के मैदान में, डॉक्टरेट के मैदान में, इंजीनियरिंग की दुनिया में साइंटिस्ट बन करके वो दुनिया में दुनिया वालों का कायदे आजम भी बन करके दुनिया वालों के सामने उभरे। ऐसा मिजाज, ऐसी मेंटालिटी, ऐसी सोच और फिक्र हम आज दुनिया वालों के सामने पेश करें, मुसलमानों के सामने पेश करें, क्योंकि लिटरेसी के बगैर कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में आए थे, अरब के अंदर कितनी जहालत थी, कोई पढ़ना लिखना नहीं जानता था। इस्लाम आने के बाद भी सहाबा इकराम के अंदर पढ़े लिखे लोग कितने थे? चंद लोग गिनती के बराबर थे, गिनती के बराबर। कुछ लोग पढ़ना लिखना जानते थे, जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपॉइंट किया था वही लिखने के लिए। सारे लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते। इस्लाम के आने के बाद सारे लोगों ने इल्म हासिल किया, उनका सीना इल्म से भरा, मुआशरा सुधरा, मुआशरे के अंदर सिविलाइज और महजबाना जिंदगी की इब्तदा और शुरुआत हुई। लोग रहन सहन का तरीका जानने लगे, लोग तालीम की अहमियत समझने लगे और सहाबा इकराम ने अपने बच्चों को तालीम और ताल्लुम से जोड़ना शुरू किया।
मुआशरा बदला, मुआशरे के अंदर इनकलाब और रेवोल्यूशन पैदा हुआ। कुरान की तालीम की वजह से दुनिया के अंदर इनकलाब आया, लोग अल्लाह की मारिफत को जानने लगे, अल्लाह की वहदानियत को पहचानने लगे। और अल्लाह तबारक व ताला ने उस कौम को जो छीन करके, लूट करके, खसम करके अपनी जिंदगी गुजारा करते थे, वो लोग दुनिया वालों को बांटने वाले, दुनिया वालों को तकसीम करने वाले, दुनिया वालों की जिंदगी संवारने वाले बन गए। तालीम और ताल्लुम की वजह से, अल्लाह की मारिफत की वजह से, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की तालीम की वजह से आज हम मुसलमान उसी तालीम से दूर हैं, हमारे बच्चे उस तालीम से दूर हैं, हमारी बेटियां उस तालीम से दूर हैं। आज हमारे सामने मदारिस नहीं है, यूनिवर्सिटीज नहीं है हमारी, कॉलेजेस नहीं है हमारे, स्कूल्स नहीं है हमारे। इसी का नतीजा है कि आज हमारी बहनों को और बेटियों को नकाब लगा करके, जो कि इस्लाम का ड्रेस कोड है औरतों का, इसको अलग नहीं किया जा सकता, ये तो हमने बेहयाई आम किया है। हम अपनी बच्चियों को पर्दा का हुक्म नहीं देते, हम अपनी बीवियों को पर्दा का हुक्म नहीं देते, हम अपनी बेटियों को बाहर पर्दा नहीं निकालते। इसका इसकी इसका खमियाजा है कि आज गैर अपने स्कूलों में हमारी बेटियों को और हमारी बहनों को इस्लामी ड्रेस कोड के साथ इंटर होने से रोक रहे हैं। मुबारकबाद देना चाहिए उस मुस्कान खान को, उस बहन को, जिसने अकेले अल्लाह के कलमे को बुलंद किया, अल्लाह के कानून के लिए आवाज उठाई। आज पूरे हिंदुस्तान में लहर दौड़ी है, जो बेपर्दा हमारी माएं और बहनें घूमती थी आज हिजाब लगा करके प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही है। अल्लाह तबारक व ताला हमारी सारी इस्लामी माओं और बहनों को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अपने आप को पूरा इस्लामी पर्दे में करके और दुनिया में सारे मामलात को अंजाम देने की अल्लाह उन्हें तौफीक इनायत फरमाए। तालीम हासिल करने की भी तौफीक, घर चलाने की भी तौफीक, और सारे तालीम और ताल्लुम को सीखने की भी तौफीक। इस्लाम कभी तालीम और ताल्लुम के खिलाफ नहीं है। ये झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि इस्लाम औरतों के तालीम के खिलाफ है, इस्लाम औरतों के तालीम के खिलाफ नहीं है। अगर इस्लाम औरतों के तालीम के खिलाफ होता तो आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से बड़े बड़े सहाबा इकराम इल्म हासिल करने के लिए नहीं आते। अगर इस्लाम औरतों की तालीम की खिलाफ वर्जी करता, अगर इस्लाम के अंदर औरतों की तालीम का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो आज बड़े बड़े सहाबा इकराम उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हमसा रजी अल्लाह ताला अन्हा से तालीम हासिल करने नहीं आते, तालीम और ताल्लुम सीखने नहीं आते। अगर इस्लाम औरतों को तालीम और ताल्लुम से रोकता तो कसम अल्लाह की इराक के अंदर, बगदाद के अंदर, अंदलुस के अंदर, गर्नाटा के अंदर औरतें लोगों को तालीम और ताल्लुम सिखाती हुई नजर, ये हमारी तारीख है। और हम मुसलमानों को, हर मुसलमान बच्चे और बच्चियों को अपनी तारीख पढ़ना है, अपनी तारीख को याद करना है, अपने वकार और इज्जत को वापस लाना है। एक तरफ अल्लाह के दीन को कबूल करके, एक तरफ अल्लाह की वहदानियत को मान करके, और दूसरी तरफ दुनिया में बड़ा कायद, कोई डॉक्टर बन करके खिदमत करे, कोई साइंटिस्ट बन करके खिदमत करे, कोई सिविल इंजीनियर बन करके खिदमत करे, कोई दूसरे और मैदान में आगे बढ़ करके अपने उम्मत की और दुनिया वालों की खिदमत करता हुआ नजर आए, यही एक मुसलमान की शान है। और इस्लामी मुआशरे में हर जगह क्लब और इदारे हो या ना हो, या फिर जमा होने के अड्डे हो या ना हो, सियासी अड्डा हो या ना हो, लेकिन तालीमी दरसगाहें जरूर होनी चाहिए, तालीम और तालुम की जगह जरूर होनी चाहिए। ये हमारे हुक्मरानों को बताना होगा, उन्हें बावर करवाना होगा कि इस्लामी मुआशरे में खेल कूद की नहीं, सबसे पहले कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जरूरत है, तालीमी इदारों की जरूरत है, मुसलमानों को एजुकेशन से जोड़ने की जरूरत है, जिसका फरमान अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान हकीम के अंदर नाजिल फरमाया। अभी वक्त है, अभी हमारे पास वक्त है, और हम आगे बढ़ कर के तालीम और ताल्लुम को थाम सकते हैं। हमारा जो तालीमी लिटरेसी रेशियो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, हम उसको आगे बढ़ कर के ऊपर उठा सकते हैं, हम अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने तो हमें इसीलिए इस दुनिया में भेजा, तालीम सीखने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, लिटरेट बनने के लिए, तालीम याफ्ता होने के लिए, माशरे को तालीम और ताल्लुम से जोड़ने के लिए।
अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान हकीम को क्यों नाजिल किया? अल्लाह तबारक व ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को उलमा इकराम के जरिया से दुनिया के अंदर आम करने का हुक्म क्यों सादिर फरमाया? ताकि हर मुसलमान इल्म और तालीम से जुड़ा हुआ रहे, जानने वाला हो, एक्नॉलेजमेंट उसके पास हो, एजुकेशन उसके पास हो, महारत और स्किल उसके पास हो, और एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज के साथ वो दुनिया का रहनुमा, दुनिया का कायद, दुनिया का रहबर बन करके दुनिया और समाज की रहनुमाई करने वाला बने, लोगों की बेहतरी करने वाला बने, मुआशरे की इस्लाह करने वाला बने। आज मुसलमान इलाकों में हम गुजरेंगे तो सारे लोग देख करके पहचान जाते हैं कि ये मुसलमान बस्ती। क्यों? हर जगह गंदगी, हर जगह गाने बजाने की आवाजें, हर जगह भीड़ भाड़, हर जगह लोगों का जमघटा, हर जगह लोग वक्त गुजारी करते हुए नजर आते हैं। ये मुसलमानों का तरीका, ये ईमान वालों का तरीका है? अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान हकीम के अंदर इल्म के ताल्लुक से जो आयतें नाजिल फरमाई है, अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह इकरा हमने नहीं पढ़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान जारी हो रहा है पहला कि आप पढ़िए। इसका मतलब यह कि मुसलमान इल्म हासिल करने वाला हो, मुसलमान पढ़ने वाला होता है, मुसलमान इल्म हासिल करने वाला होता है, मुसलमान जाहिल नहीं होते। अल्लाह के वास्ते पढ़ें, हम अपने आप को तालीम और ताल्लुम से जोड़े, और हमारे आबा व अजदाद ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं, दुनिया वालों के जो रहनुमाई तालीम और ताल्लुम में किया है, आप सोच भी नहीं सकते। सोशल साइंस जो आज हर निसाब में दाखिल और शामिल है, सोशल साइंस का मूजिद, फाउंडर, इजाद करने वाला कौन है? अब्दुल रहमान इब्ने खल्दून रहमहुल्लाह, अल्लामा इब्ने खल्दून, मुकद्दमा इब्ने खल्दून, ये पूरे सोशियोलॉजी पर है। बड़ी से बड़ी आप किताबें पढ़ लीजिए, इसको कोट किया जाता है, अरबी में पूरी किताब। किसने लिखा? हमने लिखा। दुनिया वालों को समाजियात का शऊर किसने दिया? सोशियोलॉजी से हमकिनार किसने करवाया? समाज को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, किस तरीके से उसको अच्छा किया जाए, समाजियात को किस तरीके से सुधारा जाए, ये फिक्र और ये मेंटेलिटी देने वाले हम मुसलमान हैं, हमारे आबा व अजदाद हैं। और आज हमारा ही मुआशरा बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ है, हर जगह गंदगी, हर जगह कूड़ा, हर जगह भीड़ भाड़, हर जगह नाच गाने, हर जगह तमाशे। तालीम और तालुम का कहीं भी नाम हमारे मुआशरे के अंदर नहीं है। हम तालीम और ताल्लुम से अपने बच्चों को जोड़े, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सबसे पहले मारिफत हासिल करे, किताब व सुन्नत को जाने, फिर उसके बाद दुनिया के सारे उलूम व फुनून को अल्लाह तबारक व ताला हमारे सीने में पैवस्त करेगा। अल्लाह हमें नेक अमल की तौफीक इनायत फरमा। इलाहल आलमीन तालीम की अहमियत को समझने और हम ईमान वालों को तालीम को फ़रोग देने की तौफीक इनायत फरमा। इलाहल आलमीन हमारे आने वाली नस्ल को तालीम और ताल्लुम से अल्लाह तेरी मारिफत से, तेरे हबीब के दीन और शरीयत से, और तेरे हबीब के से उनको सबक हासिल करने वाला, नसीहत हासिल करने वाला बना दे। इलाहल आलमीन किताब व सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। इलाहल आलमीन मुआशरे के अंदर तालीमी दरसगाहें और इल्म व फ़नून के मराकज़ कायम करने की अल्लाह हमारे रहनुमाओं को तौफीक इनायत फरमा। इलाहल आलमीन हमारे मुआशरे में ऐसे कायद और रहनुमाओं को इलाहल आलमीन पैदा कर जो सबसे पहले अपने कम्युनिटी और अपने लोगों के बारे में फ़िक्र करने वाले, बाद में दुनियादारी करने वाले, मालो दौलत के पीछे जाने वाले बने। अल्लाह हमें तेरे घर को आबाद करने वाला बना दे। इलाहल आलमीन हमारे माल दौलत इज्जत आबरू अकीदे और ईमान की हिफाजत फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफाई कुल्ली अता फरमा। इलाहल आलमीन जो हमारी इस्लामी बहनें और बेटियां अपने हक के लिए लड़ रही हैं केरला के अंदर, अल्लाह तबारक व ताला उनकी नुसरत और मदद फरमा। इलाहल आलमीन और काफिरों और मुशरिकों पर उनको फतह नसीब कर। इलाहल आलमीन हर इस्लाम की बेटी को, बहू को, माँ को और बच्ची को अल्लाह तेरे हुक्म के मुताबिक पर्दे में बिल्कुल घर से बाहर कदम निकालने की तौफीक इनायत फरमा। उनको इस्लामी शियार के साथ बाहर निकलने की, तालीम व तअल्लुम की और ज़रूरियात को पूरा करने की तौफीक इनायत फरमा। आमीन व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अकूलु क़ौली हाज़ा, अस्तग़फिरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन, फ़स्तग़फिर इन्नहू हुवल ग़फ़ूरुर रहीम।